जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग ने खुदरा विक्रेताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पीएम स्वनिधि योजना का सफलतापूर्वक कार्यवाहन किया। खुदरा विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेक प्रयास किए गए, जिनका एकमात्र लक्ष्य व्यवसाय को एक मजबूत आधार प्रदान करना था। जब भी कोई फड़ी वाला रेडी वाला आप देखते हैं तो आता है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर है, जब चाहे उठा दिया, जब चाहे बिठा दिया। वो भी अपने घर वालों का पेट पाल रहा है, उनकी रोजी रोटी का भी वो ध्यान रख रहा है। हमें पता चला कि योजना के बारे में, तो ये आप पटरी वालों के लिए एक स्कीम आई है, तो वो जो हम स्कीम ने मतलब ली, तो वहाँ से हमें 10,000 मिला और फिर उसके बाद हमें 20,000 का लोन मिला। पीएम स्वनिधि ने हमें एक मौका दिया, एक लाइफलाइन ऐसी दी कोविड के बाद कि उन लोगों को कुछ वर्किंग कैपिटल लोन देकर, जो रूटीन में कुछ सामान खरीदते थे उसको बड़े स्तर पर वो अपने बिजनेस को लेकर जा पाएं। अगर हमारे पास था 10,000, सपोज उन्होंने 10,000 या 20,000 दिए हमको, हम फिर हो गए 30,000। 30,000 में तो आइटम आते हैं 10-20। ये जो योजना इन्होंने स्टार्ट की तो इससे हम मतलब काफ़ी खुश हैं। उन पैसों से हमने मतलब नया कारोबार शुरू किया, एक जो वेंडिंग जोन्स का पूरा कंसेप्ट बना, जैसे आलव वेंडिंग जोन, जो एक कश्मीरी नेम है जिसका नाम है पुकार, कि आए आप मेरी दुकान पे आए। मेरे बेटे कहते आप क्या करते हैं, मैंने कहा उनको मैं पाटरी पर बैठ रहा हूँ। आजकल वो बात नहीं है, आज हमारा दुकान है। ये वेंडिंग जोन्स बनाई गई हैं उन लोगों को एक वेंडिंग में डिग्निटी देने के लिए, ताकि वो एक एस्टैब्लिश अपने आप को कर पाए। जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे इज्जत अच्छे से होता है। ये हमने 3 जगह वेंडिंग मार्केट ऐसे बनाए हुए हैं, एक आलो वेंडिंग मार्केट मटन चौक, एक जनरल बस स्टैंड में हमारे पास, और तीसरा जंगलात मंडी अशेजी पोरा में, जो इस वक्त जिसमें काम चल रहा है। और जितने भी हमारे पास 500 के करीब जो रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको प्रॉपरली अच्छी तरीके से इन तीनों एरियाज में रिहेबिलिटेट हमने किया हुआ है। जो बिहेवियरल चेंज जो एक स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हम उस बिहेवियरल चेंज के जो की प्लेयर्स थे उन तक एक सरल भाषा में, एक सरल तरीके से पहुंच पाए और उनको समझा पाए कि इसका क्या बेनिफिट है। जिला अनंतनाग के खुदरा विक्रेता आज न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपनाकर आर्थिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग भी है। व्यवसाय को नया आयाम देने और स्वनिधि योजना को जनमानस तक पहुंचाने का यह प्रयास सराहनीय है।